असलकुम लेक्चर 84 स्टार्ट करते हैं जी बच्चे पूरे नहीं हैं अभी तक चलें फिर जरा जल्दी से इधर ओपन कर लेते हैं जी इधर आए ज़रा पेज नंबर टू वन थ्री पे दो से चार मिनट में वेट करता हूँ देखते हैं फिर एसोसिएट कौन है एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर कहते हैं जो हम अपने सवालों में पेरेंट को कह रहे होते हैं ठीक है उसका क्या हो जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल कंट्रोल ना हो बल्कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो ये पेज नंबर टू वन थ्री मैंने कहा जरा थेरी पढ़ लें इतनी देर में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टी बट इज पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टी बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ऑफ दो पॉलिसीज एम सी क्यू सेवन इससे हो जाना इस लाइन से लेकिन पूरी लाइन ध्यान से वहाँ पर आई थिंक कंप्लीट बात नहीं लिखी हुई तीन में और चौथे में कंप्लीट लिखी हुई है गालिबन ऐसा है तो ये ध्यान से देख लो ठीक है ना तो क्या है जी एसोसिएट की इन्वेस्टी कौन है एसोसिएट ठीक है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है जी पावर टू पार्टिसिपेट तो है लेकिन कंट्रोल नहीं पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल में और ऑपरेटिंग डिसीजन में ठीक है प्रिजम्पन क्या है जी इफ एन एंटिटी होल्ड्स ट्वेंटी परसेंट और मोर ऑफ वोटिंग पार ऑफ एन अदर एंटिटी इट इज प्रोज्यूम्ड डैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट बस ठीक है जी अगली लाइन को रहने दें और ये हाईलाइट वाला सिर्फ पढ़ लें सही है अगर किसी के पास ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा वोटिंग पार है किसी दूसरी कंट्री का एंटिटी की ठीक है तो वो क्या कहलाएगी हम क्या कहते हैं जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ठीक है अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहता है कि ये पांच सूरतें ऐसी हैं कि अगर आपका ट्वेंटी परसेंट शेयर होल्डिंग नहीं भी है फिर भी आपका सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसमें माना जा सकता है वो कौन सी पांच सूरतें हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज यूजली एविडेंस इन वन और मोर ऑफ फॉलोइंग वेज क्या क्या रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने आपके डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर आप आपके बंदों में आपका एक बंदा अपने डायरेक्टर्स के अंदर रख लिया ट्वेंटी परसेंट नहीं भी है फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा जाहिर है डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आपका डायरेक्टर बैठा है ठीक है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल की बात नहीं कर रहे पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आ गया ना अगर एक बंदा उन्होंने आप, आपका अपने बी ओ डी में भी डाली है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है फिर पार्टिसिपेशन इन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग डिसीजन अबाउट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फिर मटीरियल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं पूरे साल में बेताशा ट्रांजेक्शन होती हैं इन दो एंटिटीज़ के दरम्यान में शेयर्स तो कम ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा और बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन सारा साल जी की आपस में हो रही हैं तो हालांकि शेयर होल्डिंग कम है लेकिन उसको एसोसिएट कह दिया जाएगा आ, आपका मैनेजमेंट का बंदा उधर उधर के मैनेजमेंट का बंदा इधर इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल बिटवीन टू एंटिटीज़ अगर हो रहा है तो ठीक है जी आते जाते रहते हैं प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन बाय वन एंटी टू अदर तो कहता है जी ये जो पांच चीजें हैं ना ये पांच चीजें अगर आपको नजर आए तो लेस देन ट्वेंटी परसेंट शेयर्स बट स्टिल एसोसिएट बिकॉज क्यों जी बिकॉज वी कैन वी कैन एक्सरसाइज क्या जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ठीक है जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एम सी क्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांच चीज दिन के अंदर हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आपकी रिप्रेजेंटेशन है पार्टिसिपेशन है आपकी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस में इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन में आपकी पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन आप दोनों के दरमियान होती है बंदे इधर से उधर आते जाते रहते हैं मशवरे एक दूसरे को देते रहते हैं ठीक है तो आपको असेंशियल असेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी जाती है तो ये क्या कहलाएगी आपकी जिस कंपनी के साथ ये ताल्लुक हों एसोसिएट चाहे बीस से कम भी शेयर हो ठीक है जी ये लाइन काट दें ये मुश्किल लाइन थी उसको बस सादा करके हमने साइड पर लिख दिया ठीक है जी अच्छा जी उसके बाद अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट के अंदर हम इक्विटी मेथड को फॉलो करते हैं इक्विटी मेथड में क्या करते हैं इक्विटी मेथड के अंदर बैलेंस शीट बनाते हुए हम रिटेन अर्निंग्स पे नज़र रखते हैं लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करते वो एक्विजिशन मेथड है लाइन बाय लाइन ऐड करना एक्विजिशन मेथड सब्सिडी के लिए एसोसिएट के लिए हम एक लाइन एलोकेट कर देते थे तो उसको बैलेंस शीट के सवाल में ठीक है और इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते थे एट कॉस्ट और उसको फिर बढ़ा लेते थे पोस्ट आरी के अपने शेयर से ये यह बात यहाँ लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड एडजस्टेड देयर आफ्टर फॉर पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ इन्वेस्टीज इन पीज शेयर इन्वेस्टर कौन होता है पेरेंट इन पीज शेयर ऑफ एज नेट एसिट्स मतलब रिटेन अर्निंग्स वही हम करते थे नेट एसेट्स का मतलब रिटेन अर्निंग्स भी होता ही है ना मतलब वो किस तरह से है बेसिकली ना मिसाल के तौर पे शेयर कैपिटल सौ रुपये है और रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो एक सौ बीस रुपये हैं तो इक्विटी की क्या सूरत हाल है इक्विटी दो सौ बीस है इसको नेट एसेट्स भी कह सकते हैं ठीक है और ये तीन सौ दस पे आ गई नॉर्मली ये नहीं बदला करता तो क्या चीज़ बदली बैलेंस ही निकाल के बताओ कितना आता है ठीक है तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं रिटेन अर्निंग्स को ही ले रहे होते हैं तो वो नेट एसिट्स ही हैं ठीक है जी नेट एसिट्स एक तरह की ये इक्विटी ही होती है तो वही बात वो कर रहा था कि हम पोस्ट आर ई जो लेते हैं वो क्या होता है असल में हमने कॉस्ट पर इनिशियली रिकॉर्ड किया होता है इसको और फिर एडजस्ट करते हैं इसको पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन पीज शेयर ऑफ एज रिटेन अर्निंग्स पोस्ट आ रही जो लेते थे ठीक है ना और इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है द इन्वेस्टर्स प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड्स इट्स शेयर ऑफ इन्वेस्टीज प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड इट्स शेयर ऑफ एज प्रॉफिट और लॉस एंड इन्वेस्टर्स अदर कंप्रीहेंसिव इनकम याद आ रही है बातें और बोलो एज प्रॉफिट और एज ओ सी का हमारा शेयर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नजर आया करता था ठीक है जी चलें काफ़ी है अब मेरे ख्याल में जिन्होंने आना है वो आ गए अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता एक बड़ा अहम सवाल है जी क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया यार ये क्यों नाराज़ हो गए इतना ऊपर चला गया जो सबसे आखिरी सवाल था हमारा यहाँ रहा हुआ थर्टी एट है अलेवन जी कंसोलिडेशन के अंदर जो सबसे आखिरी है हाँ थर्टी एट पर आओ फिर थर्टी नाइन तो ऐसे ही है बस पार्क सर जी आज का बहुत अहम सवाल है पासओवर टू किया था आपने पासओवर टू कितने बच्चों से हो गया था अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट याद है उसकी ज़रा चेक करो यही है ज़रा पढ़ के देखो फॉर इन्वेंट्री विच वॉज कैरीड एट टेन मिलियन हैड फेयर वैसे फिफ्टीन मिलियन ट्वेंटी इन्वेंट्री सही है तो ये आज डिस्कस इसके अलावा कोई मसला आया था उसमें अच्छा चैलेंज ठीक है ठीक है अच्छी बात है उसको भी देखते हैं लेकिन पहले ये जो एडजस्टमेंट है ये तीन जगह पे अलग अलग आई हुई है इस सवाल में इकट्ठी कर दी गई है अब जहां जहां नजर आएगी फिर ये हो जाएगी आज इसकी डिस्कशन होने लगी है ठीक है अच्छा जी तो बहरहाल इसमें भी आधा आपने सही किया उन्हें तो आज ये बताऊंगा आपको एंड पे कि देखो सही है इधर ही है मैं नहीं तो नंबर कौन सा था जी सही इधर ही ज्यादा दूर नहीं गया तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि देखो जी सारी बात समझ ना भी आती तो आधे नंबर तो फिर भी मौजूद थे ठीक है प्रिपेयर जेल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है जी सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है हमने और हमें ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट्स गिवन है जे और सब्सिडरी एस दो ही हैं ए और एस ठीक है जाहिर एसोसिएट इस चैप्टर में था नहीं लेकिन ये सवाल बहरहाल अब रेलिवेंट है तो सिर्फ बैलेंस शीट का सवाल करना है बैलेंस शीट बनाएंगे और अपनी चार अदद वर्किंग्स ओपन कर लेंगे एसोसिएट ने भी कोई नहीं होना तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है पेज नंबर जी पी एल जीएल एल एल ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन सत्रह भाई जरा मैंने कहा था बुला दें उनको अच्छा अच्छा जी अब तरतीब से शुरू करने से पहले चलो यहाँ वर्किंग नंबर इन्वेस्टमेंट्स में कोई मसला नहीं है सीधी सीधी है एडजस्टमेंट अकाउंट सीधा सीधा ठीक है तो वर्किंग नंबर वन एडजस्टमेंट अकाउंट Working number two SRE Working three CRE or working four NCR. काम शुरू करते हैं जी इन्वेस्टमेंट्स हैं 60 जे एल एस एस डेट इनकम एक्सपेंसिस मेरे ख्याल में तो फिर इन्वेस्टमेंट एक ही है खैर चलें इन्वेस्टमेंट्स मेरे ख्याल में तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ सवाल को एक नजर पढ़ ले जरा जल्दी से तो आप ऐसे ही उधर नहीं जा सकते तो इन्वेस्टमेंट पीपी करंट एसेट शेयर कैपिटल कर रिटेन अर्निंग्स और करंट लाइबिलिटीज जे एल एक्वायर्ड एट्टी परसेंट शेयर्स ऑफ एस एल ऑन फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन हमारे साल के दरम्यान में एस एल शोड नेट प्रॉफिट ऑफ थर्टी फॉर द ईयर इकतीसंबर सत्रह द इनकम एंड एक्सपेंसिस ऑफ एस एल हैड एक्रूड इवनली वही तो वही वाली एडस्टमेंट आ रही है की हुई है हमने की हुई है चले खैर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजीशन है तो आपको एक इनकम ऐसी दे रहा है जो किसी एक हिस्से से रिलेट करती है तो आप प्रॉफिट को पकड़ोगे उसके दो हिस्से करोगे और कुछ वाले में एक चला जाएगा ऐसा और एक आपका वर्किंग फाइव वाला वो तो बननी नहीं है बहरल ठीक है तो <coughs> भी एडजस्टमेंट है बहरल ऑन एक्विशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाली एक को एक्सेप्ट वही वाली एडजस्टमेंट है जो एक आपको आपने देखी थी मुश्किल वाली और उस तरह से दो और जगह पे भी यही एडजस्टमेंट्स हैं ये इकट्ठी सवाल में करके एंड पे ही करवाई जाती हैं अजीब सी एडजस्टमेंट्स हैं ना समझ आएँ तो सारी कंसोल्टेसन तो परेशान ना ना हो तो कंसोल्टेसन तो सारी आपको आती है ये एक एडजस्टमेंट है आ जाएगी समझ इन शाह ने चा तो ठीक है चले जी अब शुरू करेंगा इन्वेस्टमेंट सिक्सटी है सिक्सटी नेक्स्ट पीपीई वन नाइनटी प्लस फिफ्टी फोर पीपीई वन नाइन्टी प्लस फिफ्टी फोर नेक्स्ट है जी करंट एसेट्स हैं ट्वेंटी प्लस थर्टी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और करंट एसेट्स लिख लेते हैं कितने जी ट्वेंटी प्लस थर्टी नेक्स्ट जी शेयर कैपिटल सत्तर पेरेंट का बीस सब्सिडरी का शेयर कैपिटल सेवेंटी ये लिखने से पहले पढ़ लेते होते हैं हम जैसे वो शेयर कैपिटल वाली एडजस्टमेंट आ जाती थी उसने लिखा शेयर इशूज नॉट रिकॉर्डेड तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं नहीं पता लगा तो कोई मसला नहीं बाद में पता लगा तो इसको कार्ड के ब्रैकेट में लिख लें इसमें कोई मसला नहीं होता ठीक है जी शेयर कैपिटल सब्सिडरी का ट्वेंटी रिटेन अर्निंग्स पेरेंट की सी में और सब्सिडरी की एस में जी सी में पी क्लोजिंग कितनी एटी वन एसआर में एस आर क्लोजिंग कितनी फोर्टी वन उसके बाद जी करंट लाइबिलिटीज हैं एक सौ उन्नीस और तेईस तो चलो लिख दो सीआरई वर्किंग थ्री एन सी आई वर्किंग फोर एक दो लाइनें छोड़कर करंट लाइबिलिटीज लिखा करो कुछ वैसे है तो नहीं लेकिन आ तो जाता ही कभी कभी जी प्लस ट्वेंटी ठीक है जी अब एडजस्टमेंट वन पढ़िए और सवाल में कहीं प्री आर ई गिवन नहीं थी मुझे प्री आर ई निकाल कर दीजिए अरे आप, आप आपके पास सिर्फ दो मिनट है दो मिनट ज्यादा है एक मिनट है जी बच्चों सर एक मिनट तो काफ़ी नहीं था हमें तो रिटेन अर्निंग्स के लिए वर्किंग सिक्स भी बनानी है चलें जी वर्किंग सिक्स बना ले फाइव तो नहीं ना बननी प्रॉफिट एंड लॉस वाली वर्किंग है ऐसे ही है ना तो वर्किंग नंबर सिक्स उसमें पेरेंट सब्सिडरी सिर्फ सब्सिडरी है ओपनिंग आ रही फिर पैट सवाल पूरा पढ़ के गए हैं डिविडेंड है कोई क्लोजिंग आ रही जी ईयर एंड क्या हमारा इकतीस दिसंबर सत्रह तो ये यकम जनवरी सत्रह की होनी चाहिए सवाल के अंदर उसने हमें पैट दे दिया है ये बहुत छोटा तो नहीं लिखा गया समझ आ रहा है सवाल के अंदर पैट गिवन है और क्लोजिंग आ रही भी गिवन है क्लोजिंग आ सवाल में कितनी गिवन है जी फोर्टी वन एस की और पैट अब यहां पर सारा कुछ ही पूरा हो रहा होता है ना अभी तो हम बांट ही नहीं रहे अभी तो हम सवाल का हिस्सा बना रहे हैं अकाउंटेंट ने जो बनाया ठीक है तो वो कहते हैं जीएल थर्टी परसेंट ऑफ एस एल ऑन फर्स्ट एप्रेल एस एल शोड प्रॉफिट थर्टी मिलियन फॉर द ईयर सत्रह तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से पूरा प्रॉफिट आया कितना 30. थर्टी तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ये असल में आदत है वरना क्लोजिंग से रिवर्स वर्किंग भी बच्चे कर लेते हैं पर हमें आदत है चूँकि ओपनिंग ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करने की तो ब्रॉड डाउन निकाल हम वर्किंग सिक्स हमें बनाने की वैसी ही आदत है जब वो बनाएंगे तो कोई रेलिवेंट चीज़ मिसिंग होगी तो वो निकल आया करती है ठीक है ना जीवन चलें अब तो कर दें अब तो प्रियार निकाल दें जी वर्किंग टू पॉइंट वन कर लेते हैं जी ये अभी तक नया काम शुरू नहीं किया बच्चों के इंतजार में मैं दूसरी एडजस्टमेंट्स को छेड़ी जा रहा हूँ प्री आरी निकालनी है जी हमने प्री आरी कैसे निकालते हैं जी ब्रॉड डाउन प्लस कुछ हिस्सा डालना पड़ेगा अब ब्रॉड डाउन तो हमें मिल गया ग्यारह वर्किंग नंबर सिक्स से एलेवन लेकिन ये जो है इसके लिए हमें वही वाला काम करना पड़ेगा कि ये जो तीस रुपए हैं ये इवनली अक्रू नहीं हुए पूरे साल में मतलब बाकी तो इवनली थे लेकिन एक इनकम के साथ कुछ गड़बड़ थी ठीक है तो एक ही बात है तो वर्किंग नंबर टू पॉइंट टू कर लेता हूं मैं वैसे तो ये वर्किंग वो एंड पे जाके करते थे खैर चले जी थर्टी माइनस ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर वो कह रहा है द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ एसएल हैड एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ पांच विच रिलेट्स टू अच्छा ये ऊपर वाली जगह भी बचा रहता हूं। मैं बचा लेता हूँ प्री को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रॉड डाउन प्लस कुछ ठीक है अब ब्रॉड डाउन कितना है जी एलेवन ये मुझे मिला वर्किंग नंबर सिक्स ठीक है ना जी और ये प्लस जो है ये मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ वर्किंग टू पॉइंट वन ठीक है हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन इसमें से निकालना है हमने ठीक है ना जी तो थर्टी का प्रॉफिट है अब वो क्या कह रहे हैं इवनली एक ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ फाइव मिलियन जो किसी एक, एक हिस्से से है वो बाद में देखते हैं पहले सबसे क्या करेंगे इस थर्टी में से फाइव माइनस कर देंगे और बाकी ट्वेंटी फाइव को हम कर देंगे कितना बटा बारह और कितना बटा बारह जे एल ए को आए एट्टी परसेंट शेजम फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन तो जनवरी फरवरी मार्च ये फ्री है तीन बटा बारह और बाकी का हमारी सब्सिडी बन चुकी है तो पच्चीस को बांटो पच्चीस तीन बटा बारह सिक्स पॉइंट और ये एटीन पॉइंट अब ये पच्चीस तो बट गया अब इस पांच की बारी आती है इस पांच का क्या करना है जी इस पांच के बारे में देखें अगर तो ये यकम अप्रैल से पहले का हुआ तो सारा इधर ऐड और अगर यकम अप्रैल के बाद हुआ तो सारा इधर ऐड ये किया हुआ था ना काम जी एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम फाइव मिलियन विच रिलेट्स टू मंथ ऑफ जून सिर्फ हमारा प्लस फाइव ठीक है जी ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ठीक है जी अब क्या आपने और मैंने उस ज़माने में याद रखा था कि ये कहाँ जाएगा ये जाया करेगा वर्किंग टू का कुछ है ये ठीक है ना? वो जो कुछ होता था वो ये था और ये कहाँ जाएगा वर्किंग फाइव एस प्रॉफिट्स के अंदर याद आया कुछ अब बोलो अब वर्किंग फाइव तो हम बना नहीं रहे इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने रिवीजन जरा पूरी कर ली तो ये हमारे पास आ गया सिक्स पॉइंट टू फाइव ये वर्किंग नंबर टू पॉइंट वन से आ गया जी कितना आ गया सेवनटीन पॉइंट टू फाइव ये आ गई हमारे पास रिटर्न अभी कोई नया काम नहीं किया हुआ था जी जहाँ तक आप लोगों का इंतज़ार हो रहा था और अब मेन एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा हूँ जी बच्चों यहाँ तक कोई मसला डाटा उठाया सारा उसके बाद प्रिया आरी मिसिंग थी वर्किंग सिक्स बनाकर बीडी निकाला ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करने ही लगे थे कि इस तीस में भी मसला आ गया कि तीस सारे का सारा इवनली नहीं है तो फिर तीस के साथ जो मामला करना था वो ये था कि जो पाँच किसी एक एरिया से रिलेट करता था उसको अलग करके बाकी पच्चीस को तीन बटा बारह नौ बटा बारह किया पाँच को देखा तो वो सारे का सारा यकम अप्रैल के बाद हमारी सब्सिडी बनने के बाद में आ रहा था तो हमने कहा ये तो सारे का सारा ही हमारा है ये वर्किंग फाइव में जाया करता था एस प्रॉफ़िट वो हम बना नहीं रहे ये प्री के अंदर जो कुछ है ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करते हैं ये वो फिगर निकल आई थी तो इस तरह से हमने प्री आ रही निकाल ली कोई मसला तो नहीं यहाँ तक अब चलते हैं आज की मेन एडजस्टमेंट की तरफ कहता है अच्छा ये मैंने ब्लैक कर दिया है ताकि वो पुराने वाली एडजस्टमेंट बन जाए जो पहले हुआ करती थी ठीक है ना जी तो सबसे पहले जी फॉर इन्वेंट्री इन्वेंट्री के बारे में क्या कह रहे हैं जी और प्लांट है फिर और कंटिजेंट लाया बिलिटी है ठीक है जी फॉर इन्वेंट्री विच वॉज कैरीड एट टेन मिलियन हैड फेयर वैल्यू ऑफ फिफ्टीन मिलियन पहली लाइन सर पढ़ाई नहीं है आपने पहली लाइन में कहता है ऑन एक्विजन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेल्स इंड नैट एसेट्स वॉज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट पहली इन्वेंट्री ठीक है जिसके बारे में क्या कह रहा है कि उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी दस और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी पंद्रह अब आई एस टू की तो यह वायलेशन होगी कि इसको पंद्रह पे लेके जाए लेकिन हम आई एस टू थोड़े ही कर रहे हैं उसने अपनी किताबों में लोअर ऑफ कॉस्ट और एन आर बी पे ही लग, रखा होता है यानी कि आई एस टू ये कहता है कि दस वाली चीज़ नौ पे आ जाए तो नौ पे कर लो लेकिन इसको ग्यारह पे नहीं करना बारह पे नहीं करना तो इसीलिए उसने दस भी रखा हुआ है लेकिन अब मामला ये है कि हम आज सब्सिडरी को ख़रीदने आए हैं और ये इन्वेंट्री खरीद के रखी हुई है हबीबी ने और वो ये कह रहा है कि ये इन्वेंट्री मैंने दस की ख़रीदी थी इसको तुमने पंद्रह का बेच लेना मेरे जाने के बाद तो ये तो मेरी इन्वेंट्री खरीदी हुई है ना इसका तो पांच का गेन भी मुझे ही मिलना चाहिए तो ये आई एस आई एफ आर एस आई एस टू नहीं है आई एफ आर एस थ्री और टेन है जो कहते हैं हर चीज को ही आज के दिन किस पे ले आओ फेयर वैल्यू पर और गेन लॉस को रिकॉर्ड कर लो ठीक है तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी एंट्रीज कर लेते हैं जी बच्चो वर्किंग uh, नंबर एट ए थ्री का ए जी बच्चों इन्वेंट्री इन्वेंट्री की कैरिंग वैल्यू कितनी है इन्वेंट्री कैरिंग वैल्यू टेन और फेयर वैल्यू कितनी है फिफ्टीन तो इन्वेंट्री को कितने से बढ़ा दें तो पांच रुपये से इन्वेंट्री डेबिट और और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन देखो इसका नाम भी रीवैल्यूएशन सरप्लस ही रखा हुआ हमने ठीक है ना जी अच्छा उसके बाद पार्ट बी पे आते हैं आसान एडजस्टमेंट्स हैं ठीक है चलो पहले ये वाली पोस्ट भी कर देते हैं इन्वेंट्री डेबिट रीवेल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट इन्वेंट्री डेबिट कितने से जी पांच से और रीवेल्यूशन सरप्लस वर्किंग वन में क्रेडिट ठीक है जी किस से किस की वजह से सरप्लस की वजह से और ये सरप्लस किसका है जी इन्वेंट्री नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ प्लांट इज इम्पेयर्ड बाय थ्री मिलियन प्लांट तीन मिलियन से कम हो गया इम्पेयर्ड इम्पेयरमेंट लॉस तो एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट वर्किंग वन में हर चीज़ वर्किंग वन में एक्विजिशन डेट के ऊपर ये जो काम भी होगा ये वर्किंग वन में होगा तो इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पी पी ई क्रेडिट कितने से जी तीन रुपये ठीक जी अच्छा जी नेक्स्ट थिंग इज Uh, मुझे एक बात बताएं। आई एस थर्टी एट हमने पढ़ा है कोई ऐसा एसिड आपने देखा है एसिड भी हो आईएस थर्टी एट में और उसकी कैरिंग अमाउंट जीरो नहीं कैरिंग अमाउंट मैं कहना चाह रहा था जैसे कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मास्टर्ड वगैरह हैं एसिड ही होता है अच्छा तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कैरिंग अमाउंट ज़ीरो है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है इसकी बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं होता हम कहते थे तो इसको एसिड ही ना मानो हालांकि होता तो है एसिड होता तो है बिक जो रहा है बाहर बेच देते हैं ना बिजनेस बेचने तो इसके पैसे लग रहे हैं इसीलिए ठीक है ना लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया होता पर जब हम कंसोलिडेशन करते थे तो हम क्या कहते थे जी इसकी भी अभी भी कहता था इसकी भी फेयर वैल्यू लगवाओ और मिसाल के तौर पे पचास रुपये फेयर वैल्यू आती थी तो हम इसकी क्या एंट्री पास किया करते थे बोलें जी इंटरनिट ब्रांड ब्रांड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट ठीक है जी ऐसे ही हम इन अल्लाह ने चाहा तो होप फुली अब आज तो नहीं मौका मिला कल होप फुली हम शुरू कर देंगे आई एस थर्टी सेवन तो उसके अंदर अच्छा कंसोलिडेशन के साथ क्या करना है रोज़ाना ये जो मैंने टाइम बढ़ाया है ना क्लास का बढ़ाया मतलब पूरा जितना था उतने पे आया हूँ नौ बजे से ग्यारह बजे तक हम पढ़ लें कम अज़ कम इसमें मैं कंसल्टेशन का आपको एक आधा सवाल करवाया करूँगा या डिस्कस करूँगा ये जितने भी ये एसोसिएट के अंदर आई एस ट्वेंटी एट में पास पेपर्स पढ़े ठीक है ना जी इनमें आज इंशाल्लाह मैं पास पेपर वन आपको करा दूँगा होपफुली थ्री आपको होमवर्क में दूँगा खप खपिया करके आएँगे फिर कल इंशाल्लाह थ्री तो ये अब साथ चलता रहेगा ये रोज़ पंद्रह बीस मिनट पच्चीस मिनट हम इसको देते रहेंगे ठीक है ना लेकिन असल ये है कॉन्सेप्ट सारे आपके पास होने के बावजूद आप कब परफॉर्म करेंगे जब आपको सवाल करना आए तो मैं पहले आपको सवाल दूंगा उससे परेशान नहीं ना सवाल जब तक समझ ना आए हम उसकी जान नहीं छोड़ेंगे लेकिन आप पहले उसको ट्राई करने वाले हों खूब प्रैक्टिस करें आप कंसल्टेसन की खूब प्रैक्टिस करें वो ऐसे ही है तो करवाए सवाल को तो आराम से कर लेते हैं पहले करके देख लें फिर तो उसके बाद जब करवा दूँ क्वेश्चन समझ में आ जाए घर पर जा दोबारा कर लें अब फायदा होगा ठीक है क्योंकि अब उस आपने इसको एग्जाम लेवल पर लेके आना है ना ठीक है अच्छा जी आई एस थर्टी सेवन पता है क्या कहता है आई एस थर्टी सेवन ये कहता है कि एक चीज होती है कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या चीज जी कंटिजेंट कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कंटिजेंट अपॉन एक ऐसा कोर्ट केस है ठीक है कंटिजेंट लाइबिलिटी मिसाल के तौर पे क्या है जी मिसाल के तौर पे ई जी कोर्ट केस गेंस्ट एस अगेंस्ट सब्सिडरी सब्सिडरी के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस है ठीक है जी वेयर चांस ऑफ लूजिंग द केस इज लो ठीक है जी अगर चांस लो हो हम जब आई सी टी सी एन शुरू कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आई थर्टी सेवन कहता है कि अगर आपके खिलाफ केस हुआ हुआ है और चांस है उसके हारने का कम तो आप उसको लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड ना करो लेकिन अंग्रेजी में लिख के उसको बता दो जिसको कहते हैं डिस्क्लोजर ठीक है कंटिजेंट अपॉन कोर्ट कोर्ट का फैसला है कंटिजेंट किस पे है जज कोर्ट कोर्ट के अंदर केस है कंटेंजेंट किस पे है जज के फैसले पे जज के फैसले पे लेकिन हमें हमें उम्मीद है उम्मीद किससे लेंगे एक्सपर्ट से हमारा लीगल एडवाइज़र होगा उससे पूछेंगे हाँ भी आपको क्या लगता है तो वो अगर कहेगा कि उम्मीद है आप केस जीत जाएंगे यानी हारने के चांसेस कम हैं पचास परसेंट से कम जब होंगे ना तो हम कहेंगे अच्छा हारने के चांसेस कम है तफसील से वहीं पढ़ेंगे ठीक है ना इनशाला कल अगर शुरू किया तो ये बात तक कल भी कल ही पहुँच जाएंगे हम ठीक है ना तो अगर कोर्ट केस हुआ है एस के खिलाफ और उसके और उसमें चांस ऑफ लूजिंग जो है वो लो है तो आई एस थर्टी सेवन कहता है कि आप कंटिन लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करो क्या करो कंटिजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करो जी ठैर जेठ जेठ पॉज कर दें बहुत जी तो आई एस थर्टी सेवन कहता है कि कंटीन लाइबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज करो इसका मतलब कंटीनजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी जीरो ठीक है कंटिजेंट लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज हैज कैरिंग वैल्यू ऑफ जीरो एंड इट इज डिस्क्लोज्ड ओनली एंड इट इज एंड इट इज ओनली डिस्क्लोज ठीक है जी लेकिन जब हम जाते हैं ना जी सब्सिडी को ख़रीदने तो हम कहते हैं अभी भी आपके ख़िलाफ़ एक केस हुआ है कि कहीं हमारे गले ही ना पड़ जाए और हम अपने वकील से कहते हैं इसकी ज़रा बताओ कि कितने को पैसे इस लाइबिलिटी के देने पड़ सकते हैं तो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू भी हम निकालते हैं जैसे जैसे वहाँ पर कोई ब्रांड नहीं था उसकी फेयर वैल्यू ली तो यहाँ पर भी कोई लाइबिलिटी नहीं है रिकॉर्डेड क्यों चांस कम है डिस्क्लोज किया हुआ कैरिंग अमाउंट जीरो है लेकिन हम क्या कह रहे हैं नहीं हो सकता है हमारे गले पड़ जाए तो जाहिर है ये मशावरत से हम रिवैल्यू कर रहे होते हैं चीज़ों को जी तो इसके अंदर क्या एंट्री करेंगे बोलें सोच कर बताएं सिफर से तीस पे आना है एक्सपेंस बढ़ा लेंगे वर्किंग वन में लेकिन एक्सपेंस ही होता है ये ना बेसिकली कोर्ट केस के अगेंस्ट लाइबिलिटी होती है ना उसकी एंट्री होती है लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट ये प्रोविजन क्रेडिट करते हैं ठीक है ना बाहर हाल ये एक्सपेंस है लेकिन ये एक्सपेंस वर्किंग वन में डेबिट होगा और इसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी हम क्रेडिट कर लेंगे ठीक है जी कितने से पूरे थर्टी से ये बात समझ आई है जैसे ब्रांड कुछ भी नहीं था सिफर से पचास पे लाए हैं ऐसे ही ये लाइबिलिटी कुछ भी नहीं थी क्योंकि कंटिनजेंट लाइबिलिटी थी मैंने सिखाया क्या इस वक्त आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी कंटिनजेंट लाइबिलिटी जो है वो कैरिंग अमाउंट उसकी जीरो होती है क्योंकि वो सिर्फ डिस्कलोज होती है लेकिन आई सारे थ्री और टेन जब आते हैं कंसोलिडेशन करने लगते हैं एक्विजिशन सॉरी एक्विजिशन जब करने लगते हैं तो हम इन कंटिनियंट लाइबेरीज की भी फेयर वैल्यू लगाकर वर्किंग वन में उनको भी रिकॉर्ड करते हैं ठीक है, तो है। बेटा तो फिर यूं कह दो ये है तो ये भी हमारी किताबों में इंटरनली जनरेटेड ब्रांड ही ना तो फिर हमने खरीद लिया है ना इसको भी तो ये उसका किया धरा है सारा तो हम तो अपने चांस के हिसाब से ये भी चांस ही है इतने पैसे आए फेयर वैल्यू क्या एस्टिमेट ही होता है हमने तो अपने वकील से कहा है भाईजन इनके केस के क्या सूरत हाल आपको लगती कहते हैं भाईजन चाहे उनके हिसाब से कंटिजेंट लाइबिलिटी ही है लेकिन मेरे हिसाब से तीस रुपये आपको इसके लिए भी फेयर वैल्यू ले, ले लेनी चाहिए हो सकता है ये केस देखो कंटिजेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि हो ही नहीं सकता कि हमारे खिलाफ केस का फैसला आए आ गया फिर ठीक है तो बस ठीक है हर चीज़ की फेयर वैल्यू लगा रहे हैं तो इसकी क्यों ना लगाएं ठीक है अभी मैं होमवर्क के सवाल की तरफ जाऊंगा चलो बोलो चलो बोलो लेकिन वो कंटिजेंट एसिड होगा नहीं उसके बारे में वो अब कल की क्लास में बताऊंगा उसके बारे में आपको बताना है एसिड था कंटिजेंट एसिड था अगर ऐसा ही था तो नहीं एसिड हो तो उसको तो इग्नोर करते हैं उसकी वजह फिर बतानी है होमवर्क वाले सवाल में फिर चलें जरा ये कर लें जरा एक दफ़ा ये अभी ऑलरेडी मुसीबत खुली है ये सिचुएशन मैंने जो सामने रखी है ये सिचुएशन आपको समझ आ रही है ये सिचुएशन समझ आ रही है बस ये सिचुएशन समझनी थी जी आए सवाल तो पे कहता है अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ नाइन मिलियन देखो क्या लिखा हुआ है इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एस एल कंटिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती है कंटीजेंट लाइबिलिटी ने होना ही क्या होता है एज डिस्कलोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है जी विच हैड आ पता नहीं कितनी थी उसकी वो कहता है नाइन मिलियन हमने उसकी अंदाजे से डिस्क्लोजर दिया हुआ है ठीक है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है अब बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं बच्चे सोचते हैं कि जी नौ और छः का डिफरेंस तीन है मेरे ख्याल से ये तो उल्टा लाइबिलिटी कम हो रही है नहीं यही तो समझा के लाया हूँ कि कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोजर दिस्क, में लिखना तो होता ही है ना डिस्क्लोजर में लिखना होता है एस्टीमेट उसमें भी लिखना होता है कि जी हमारे खिलाफ केस हुआ वकील साहब कह रहे हैं कि आपके हारने के चांसेस कम हैं और एक रिलायबल एस्टीमेट ने दिया कि अगर हार गए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे पैसे वहाँ भी लिखे होते हैं हमने इतना इतना केस हुआ हमारे खिलाफ तो कोई ना कोई एस्टिमेट दिया होता है तो ये नौ मिलियन उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है कोई एंट्री नहीं हुई हुई कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज है नॉट रिकॉर्डेड इसका मतलब कैरिंग अमाउंट क्या है कैरिंग अमाउंट क्या है ज़ीरो तो अगर कैरिंग अमाउंट जीरो है यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर लेना याद रह जाएगा ताकि कैरिंग अमाउंट कितनी है जी ज़ीरो और इसके अगेंस्ट फेयर वैल्यू कितनी है छ तो छे का वो परेशान नहीं होना उसको देखकर क्या लिखा हुआ था उसने वो नौ ठीक है क्योंकि वो नौ क्या है डिस्क्लोजर डिस्क्लोयर का मतलब सिर्फ अंग्रेजी में लिखा हुआ है एंट्री नहीं हुई इसका वो कैरिंग अमाउंट जीरो है और हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू कितनी है तो ये टेक्निकल ये तीन अलग अलग जगह पे पास पेपर में ये एडजस्टमेंट आई हुई थी यहाँ पे इकट्ठी कर दी गई जी एक्सपेंस इन वर्किंग वन अभी तो मैंने ब्लैक हटाना आना है तो पता नहीं क्या होना है एक्सपेंस वर्किंग वन में डेबिट करके और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर कितने से जी छः से ये तीनों एंट्रीज करवा दें पहली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट और ये हो गई इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट ठीक है दूसरी एंट्री Impairment लॉस इन वर्किंग वन डेबिट पीपीई क्रेडिट तीसरी चीज वजह भी लिखने बाद में फिर ही ना क्या है जी यहां पे इंपेयरमेंट लॉस है पीपीई का इंपेयरमेंट लॉस काफ़ी था चलो आपके समझने के लिए पीपीई भी लिख दिया मैंने नेक्स्ट एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट कितने से छः से और लायबिलिटीज़ में जाकर ये छः रुपये भी रिकॉर्ड कहीं गुडविल ही ना निकला है जगह ही कोई नहीं छोड़ी लग तो गुडविल ही रही है वैसे जी यहां तक कोई मसला है तो बताएं आप यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए मैं फिर आगे बढ़ूंगा यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए प्लीज जी बच्चों किसी एडजस्टमेंट में यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ प्लीज़ 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 कोई एडजस्टमेंट ये ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं ये लो ये नीचे उनकी एंट्री है कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें मैं चाह रहा हूँ कि ये फेज़ अलग और फिर अब अगला अलग हो समझने के लिहाज से इम्पेयमेंट किस दिन कर रहे हैं हम रिकॉर्ड एक्विजिशन डेट पर कहा है कहा लिखा है यार मैं कहा लिखा है मेरे मेरे सवाल में दिखाओ कहा है साथ वाले से बातें करते रहते हो तुम मैंने कहा था कि ये अलग देखेंगे जितना येलो है और एंट्रीज हैं उनमें कोई मसला है तो बताएं ये हमने क्या किया एक्विजिशन डेट के ऊपर एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे ले आए ठीक है अब एक जुमला तारीखी जुमला जो काम पेरेंट कर चुका है अगर सब्सिडरी भी वही कर ले तो क्या करेंगे पेरेंट को कहेंगे रिवर्स करो मुनासिब नहीं लगता अच्छा बड़ों को जो काम बड़ों ने किया आप भी दोबारा वही कर दें बेटा बैठा हुआ था वाले साहब बैठे हुए थे दुकान पर सुबह सुबह नमाज के बाद वो फ़ौरन चले जाते थे बेटा दुकान पर गया थोड़ी देर बाद वाले साहब कहा जाएँ आप अबाजी अब अब नाश्ता कर रहे हैं अबा जी उठ के गए मुलाजिम से बच्चे ने पूछा कोई सेल शेल हुई उन्होंने कहा हाँ हुई है सेल सौ रुपये की सेल हुई है अब वो अब जी रिकॉर्ड कर गए थे बेटे ने भी रिकॉर्ड कर दी क्या करें बेटे ने किया वो रिवर्स करा दें अबा जी वाले काम को तो अच्छा भी नहीं लगता रिवर्स करना ठीक है और वैसे भी वैसे भी अगर आपने मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया आज हमने और फिर साथ ही इम्पेयरमेंट लॉस को हम रिवर्स कर दें और यही एंट्री करें वर्किंग वन में क्रेडिट और डेबिट तो फिर इसके करने का फायदा क्या था इसे करने का कोई फायदा नहीं है ठीक है ना तो फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि जो काम एस ने किया उसे उल्टा दें ठीक है जो काम एस ने किया उसे क्या कर दें उसे उल्टा दें यानी के यानी के अगर एक काम हमने कंसोलिडेशन करते हुए पेरेंट ने किताबों में किया उस कंसोलिडेशन के बाद उस डेट के बाद एक्विजिशन डेट के बाद अगर सब्सिडरी ने भी वही काम कर लिया तो सब्सिडरी वाले काम को उल्टाना है ये याद रखना है एस वाले काम को उल्टाना है ताकि जो वैल्यू से ऐस ने जो काम किया है वही हम उल्टाएं ठीक है अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट बी क्या कहता है जी कहता है द इंपेरमेंट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाई एस सेल ऑन टू अप्रैल हमने तीन की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की एकम अप्रैल को एकम अप्रैल को ना और बोलो और दो दिन बाद अगले बल्कि एक दिन बाद अगले ही दिन एस ने भी अपनी किताबों में उसको रिकॉर्ड कर दिया तो क्या सिखाया आपको जो एस ने किया उसको उल्टा दो जो एस ने किया उसको उल्टा दो उसकी वजह पता है क्या ज़रा ग़ौर फरमाएं तो हमारे पास जो बैलेंस शीट्स हैं शायद ये बात समझ आ जाए नहीं तो फिर दोबारा समझाऊंगा कोई मसला है नहीं मैं आराम आराम से छोटा सवाल कर रहे हैं उसके बाद हमने चले जाना है उधर कंसल्टेसन के पास पेपर से कॉन्सेप्ट ये एक रहता था ये रहा हुआ कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं रहता कॉन्सेप्ट में ठीक है ये बैलेंस शीट किस दिन की है इकतीस नंबर सत्रह की बैलेंस शीट्स हैं बोलो इसका मतलब ये जो पीपीई नजर आ रहा है एस का चौवन एस ने अगर दो अप्रैल को तीन का एम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है तो यहां से माइनस हो चुका है वो यहां तक आते आते हो चुका है माइनस अब हमने एक एंट्री पास की वर्किंग वन में एम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपीई क्रेडिट तो आप माने या ना माने ये तीन अब दो दफा रिकॉर्ड हो गया ये तीन क्या हो गया अब आपके दिमाग में दो वाइल्ड थॉट्स आएंगी पहली थॉट करें ना अगर करेंगे नहीं तो क्या गुडविल सही निकलेगी बात समझिए एक्विजिशन डेट पर हर एसेट लाइबिलिटी को हमें मजबूरी है कि उठाकर लेके जाना पड़ता है फेयर वैल्यू पर अगर ये काम ना करें तो हमारी गुडविल सही नहीं निकलेगी समझ में आती है बात और ठीक है दूसरी वाइल्ड थाट ये आती है कि अच्छा सब्सिडरी वाला ही क्यों उल्टाएँ हमने इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस क्रेडिट किया था तो इसी को उल्टा दें सरप्लस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट तो फाय फायदा क्या हुआ मतलब बात वहीं पे ही आ गई दो नहीं कि वाइल्ड थॉट होनी चाहिए थी कि हम ये काम करें ही ना या इसको करके फिर उल्टा दें करके सेम से उल्टाएं तब भी तो इसलिए ये तो लॉजिक देने की कोशिश की सवाल पर्चे के अंदर याद रखने के लिए बात सिर्फ कितनी सी है पर्चे में याद रखने वाली बात सिर्फ कितनी सी है जो काम एस ने किया उसको उल्टा दें जो काम एस ने किया है उसको उल्टा दें वजह समझ आई है देखें अगर उसने हम उसने दो अप्रैल को एक, एक इंपेयरमेंट लॉस तीन रुपए का रिकॉर्ड किया है तो उसने एसेड को तीन रुपए से कम कर लिया दो अप्रैल को और इस वक्त इकतीस दिसंबर सत्रह के उसके एसेट्स नजर आ रहे हैं चौवन तो यहाँ तक आते आते वो तीन माइनस हो चुका है या नहीं हो चुका हो चुका है ना तो अगर हमने दोबारा कर दिया तो डबल हो जाएगा और अगर हम इसको ना करें तो हमारी गुडविल सही नहीं आती इसलिए सारी कहानी का मुख्तर खुलासा ये कि हमने याद क्या रखना है कि जो काम एक क्या और है अच्छा ज़रा पॉज करें जी इसकी डिस्टर्बेंस रिकॉर्डिंग में तो नहीं आ रही होगी ना चलें इसको बुला लें इनको सही करवाएं मैं असगर ऐसे नहीं करना चाहिए ठीक है ना देखें अब इनका टेस्ट है अब ये क्या करेंगे उठा के बैठेंगे तो एक अर्ज़ कर दीजिए बात तो बेटा हो अच्छा जी तो अभी करवा दें अभी तो करवा दें ऑनलाइन वालों को तो चला जाए मैसेज अच्छा जी कहा था मैं हाँ तो मैंने कहा कि खुलासा सारी कहानी का ये है कि आपने जो काम पेरेंट ने यूं कहे जो काम पेरेंट ने कर लिया है अगर सब्सिडरी भी वही काम दोबारा कर ले तो हमने सब्सिडरी वाले काम को क्या करना है उल्टा देना है ठीक है तो सब्सिडरी तुमने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया है चलो शाबाश रिवर्स करो तो सब्सिडरी कहेंगे चलो रिवर्स करो पीपीई डेबिट करो और इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करो पीपीई को डेबिट करो और इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करो पी -पी को जिस अमाउंट से किया है अब सवाल ने कुछ नहीं कहा तो हम यही कहेंगे ना जिस जितना इंपेयरमेंट लॉस था उतने से ही उसने भी रिकॉर्ड किया है और अगर वो कह देता कि सब्सिडी ने दो से किया है तो हम दो कह देते चार से किया है तो हम चार रिवर्स कर देते जो काम जिस अमाउंट से सब्सिडी ने किया है हमने वो रिवर्स कर देना सही है पहले सवाल नॉर्मल था अगली लाइन क्या पड़ी ग्रीन वाली जो काम पेरेंट ने किया था सब्सिडी ने भी वही कर दिया तो हमने क्या कहा सब्सिडी को चलो इसको उल्टाओ ठीक है अब चूंकि ये सवाल माजरत के साथ बैलेंस शीट का है तो इसको कहाँ पे फेंकना पड़ेगा सी आर ई में सब्सिडरी ने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया हुआ है ना बच्चों बोलो हाँ हाँ वही 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 एस ही बोल रहा था मैं दिमाग में एस आर बोल रहा था लिख सी रात सब्सिडरी रहा ने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया हुआ है तो सब्सिडरी को ही कहेंगे कि इसको रिवर्स करो तो इम्पेयरमेंट लॉस एस आर ई को क्रेडिट कर लें ठीक है जी जो आपके होमवर्क में सवाल था ना उसमें एडजस्टमेंट सबसे मुश्किल है ये वाली ये तो सबसे आसान थी ठीक है चलो जी अब उल्टा दें जी तो पी पी ई डेबिट पी पी ई डेबिट जो काम सब्सिडी ने किया उसको उल्टा दें और एस आर ई क्रेडिट ठीक है चले आगे नेक्स्ट अ अंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ नाइन मिलियन एज द्लोज इन स्टेटमेंट्स हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ सिक्स मिलियन ठीक है जी तो हमने कहा अच्छा जी सिक्स मिलियन पर इसको रिकॉर्ड करो एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट अल्लाह खैर सबिक्वेंट टू एक्विजिशन यानी फर्स्ट अप्रैल के बाद द लाइबिलिटी हैज बीन रिकॉर्डेड इन एस बाई एस एल इट्स बुक्स एट ओ हम तो रिकॉर्ड किए ही बैठे थे एक्विजन के बाद सब्सिड्री ने भी इस लाइबिलिटी को चार रुपये पे रिकॉर्ड कर लिया चा करें? क्या करें क्या करें नहीं ये यूँ बोलें जो काम पेरेंट ने किया वही सब्सिडी ने कर दिया तो सब्सिडरी वाले को उल्टाएंगे और किस अमाउंट से जिससे सब्सिडरी ने किया ठीक है अब उल्टा दो सब्सिडी ने भी एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट कर लिया तो हम उसे क्या कहेंगे लाइबिलिटी को क्रेडिट करें लाइबिलिटी को क्रेडिट करें डेबिट करें और एक्सपेंस को क्रेडिट कर लें ठीक है जी और अगेन एक्सपेंस पीएनएल का सवाल तो है नहीं कि एक्सपेंस खुद आगे क्रेडिट कर दें तो एस 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 के प्रॉफिट्स का मसला है तो एस आर ई को क्रेडिट मारते ठीक है जी कितने से चार तो लाइबिलिटी डेबिट इसको क्या हुआ बेचारे को ये तीन लिखा था मैंने इंक निकल रही है मेरे हिसाब से अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था आपने कुछ नहीं लिखा था एम्पेयरमेंट लॉस लौ। या जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिख ले पीपीई का इम्पेयरमेंट लॉस है ना पी, -पी ब्रैकेट में इम्पेयरमेंट लॉस ताकि आपको डबल एंट्री नजर आ जाए तो और अब इसकी एंट्री क्या है जी चार रुपए की एंट्री क्या है चार रुपए की एंट्री क्या है लाइबिलिटी डेबिट मतलब लाइबिलिटी कम लाइबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कहां पे में लाइबिलिटी के अंदर वो जो हमने एक्सपेंस रिवर्स किया सही है अच्छा अब टेक्निकल वाला आ गया पॉइंट जो दरअसल आपका आपके होमवर्क वाले सवाल में भी था लेकिन उसको ओपन करने से पहले ज़रा मुझे ये बताएं भाई उमेर साहब को कॉल कर ले। लें हाँ ले मुझे ये बताएं कि दस वाली चीज़ की फेयर वैल्यू पंद्रह है मतलब इसका क्या होगा पाँच रुपये का गेन कमाना है फ्यूचर में अभी भी क्या कहता है फ्यूचर में आपने ये पाँच का गेन कमा लेना है ठीक है तो इसलिए आप आज ही इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाकर ठीक है अच्छा जैसे वैसे सोचवाए सोचवाया जाए उस वैसे सोच लेंगे ना तो ईजी रहता है वरना तो कंसोलिडेशन एक अजीब ही समंदर है एक दुनिया है अलग से ठीक है ना तो उसमें तो फिर डूबते ही चले जाएँ तो जैसे भी ये सोचा थोड़ा का, काम चल रहा है ना कंफर्टेबल ठीक है अच्छा जी गेंद कितना आना है जी पाँच का अच्छा अब ये किस दिन है जिस दिन सब्सिडी को एक्वायर किया जा रहा है ऐसे ही है आगे वो कहता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स दिस दिस इन्वेंट्री इज स्टिल इंक्लूडेड नेट्री एट इकतीस दिसम्बर दो हजार सत्रह अब अगर बीस परसेंट अभी भी इन्वेंट्री में पड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ अस्सी परसेंट बिक गई है अगर अस्सी परसेंट बिक गई है तो इसका मतलब जो गेन हमने आज पांच का रिकॉर्ड किया था साल एंड होते होते उसका अस्सी परसेंट सब्सिडी ने भी तो रिकॉर्ड कर लिया ये बात जरा मुश्किल से हजम होती है सवाल भी घर पे किया हुआ इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे आप पर मुझे मसला नहीं है ले टाइम मैं चाह रहा हूं ले टाइम कोई मसला नहीं लेकिन है बात आसान देखो हमने आज इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया सब्सिडी ने भी बुक किया हुआ था उसको कहा रिवर्स कर लो हमने आज एक एक्सपेंस बुक किया सब्सिडी ने भी कहा हुआ था बुक कर लिया तो हमने उसे क्या कहा रिवर्स कर लो हमने आज एक गेन बुक किया ये मानते हो पांच का गेन है और बोलो गेन ही बुक किया है ना दस वाली चीज़ पंद्रह की बिकेगी तो हमने आज एक गेन बुक किया सब्सिडरी ने भी पूरे साल के अंदर उसमें से अस्सी फीसद चीज़ें बेच ली तो उतना गेन तो उन्होंने भी बुक कर लिया ना तो क्या करेंगे एस ने जो किया सब्सिडरी ने जो किया हाँ जो काम पेरेंट ने किया हुआ था ठीक है वही काम अगर सब्सिडी ने कर लिया है तो जो काम सब्सिडी ने किया उसको क्या कर देंगे उल्टा देंगे अब हमने इस पूरी इन्वेंट्री का गेन पांच रुपये बुक कर लिया कर लिया या नहीं कर लिया करंट एसिट के अंदर इन्वेंट्री डेबिट और सरप्लस गेन ही होता है गेन इन वर्किंग मन क्रेडिट जिस तरह इधर लॉस हमने बुक किया आपने इस पर तो कोई एतराज़ नहीं किया असल में इन्वेंट्री वाली बात क्योंकि इसमें अनसोल्ड के साथ नहीं यहां पर आके ना सोल्ड के साथ खेलना था सा, तकलीफ आपको सिर्फ इस वजह से हो गई लेकिन जैसे सोचवा रहा हूं वैसे सोचे कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं कि हमने इस इन्वेंट्री का पांच रुपए का गेन आज रिकॉर्ड कर लिया अब वो कह रहा है ये रेंट के ऊपर ट्वेंटी परसेंट अभी भी बिकी नहीं है यानी बाकी अस्सी परसेंट बिक गई है इसका मतलब बाकी अस्सी परसेंट बिक गई है मैं यूं लिख सकता हूं सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन सब्सिक्वेंट ये माइक बदलना पड़ेगा एक मिनट रुक जाए बस सिर्फ एक मिनट सब्सिक्वेंट टू Acquisition S has sold 80% stock and recorded profit and recorded gp GP. ye ये मैंने ye ये क्या है इसको जीपी कह chalo चलो और आसान de ye क्या है ये जीपी है ये जीपी था ना जीपी ग्रॉस प्रॉफिट गेन गेन ही होता है gain गेन हमने बुक कर लिया था अब जब उन्होंने फ्यूचर में बेचा होगा जाहिर सी बात है उन्होंने लॉस पे तो नहीं बेचा होगा ना आज हम कह रहे हैं कि अगर ये दस वाली चीज पंद्रह की बिकनी है तो वो पंद्रह की बिकनी है ना लेकिन उसमें से उसमें से अस्सी फीसद बिकी बीस फीसद रहती है इसका मतलब ये जो चीजों के ऊपर हमने पांच का गेंद बुक किया था एस ने भी उसमें से चार रुपये गेंद बुक कर लिया है तो ये अब डबल गेंद बुक हो गया जब हम पांच का गेंद बुक कर चुके थे तो एस के गेंद बुक करना करेंगे एस को कहेंगे चल शाबाश तू इसको उल्टा दे ठीक है तो इसमें क्या कहेंगे जी अब गेन को जीपी को जीपी को उल्टाना है जीपी को उल्टाने का तरीका क्या बताया हुआ है जीपी को उल्टाने का तरीका क्या लिख लो जीपी लिख लो जीपी लेकिन बाद में मैंने यही कहा था कि यार जीपी को हम कोई नहीं छेड़ते होते हम यही काम क्या कर लेते होते हैं जीपी की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल को कर देते हैं ठीक है और चार से क्यों कर रहे हैं क्योंकि एट्टी परसेंट है पांच का ठीक है तो जीपी को डेबिट करो यानी उल्टा दो और इन्वेंट्री को क्या कर लो क्रेडिट चार रुपये ठीक है जी लेकिन ये एस आर ई को हिट कर रही है सारी एडजस्टमेंट ठीक है जी और ये चार क्यों किया फाइव का एट्टी परसेंट ठीक है बच्चों तो इस एंट्री को पोस्ट कर लें जरा एक मिनट के लिए जल्दी से जी इन्वेंट्री एस आर ई डेबिट ये मैं सारा मिटा दू ये वाला ये ये सारा मिटा दूंगा आप जी बोले जी एस डेबिट कितने से चार से और इन्वेंट्री क्रेडिट चार हमने पांच का बुक किया था उन्होंने भी चार का बुक कर दिया हमने चार वाला माइनस करवा दिया ठीक है सही है जी इन्वेंट्री सर सही कहाँ है चलो नहीं भी सही है तो अब क्या करें रिवर्सल ऑफ जीपी चलो अब यहां पर आप इसको पूरा करें सवाल खत्म हो गया आप पॉज करें जरा जी बच्चों हो गया बैलेंस यहां पे बताओ जी डिब्बे का टोटल क्या है ओह हो गुडविल तो नहीं आ रही गुडविल आ रही है नहीं वो तो बाद में देखेंगे पता नहीं गुडविल आ रही है या नहीं आ रही आपने पूरा तो कर ही लिया होगा ना जी सवाल चुप है तो एनसीआई को क्या देना है जी प्रोपोशनेट शेयर देना है तो टोटल करो थर्टी थ्री का कितना 20 परसेंट जी सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन कर लिया होता सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव नेक्स्ट अब बताओ जी गुडविल है ओ माय गॉड तो गुडविल गुडविल इधर लिख रहा हूं तो आप गुजारा कर लें आज फिर है गुडविल कितनी थर्टी थ्री पॉइंट फोर गुडविल वर्किंग वन से आई है नजर आ रही है वर्किंग वन में गुडविल थर्टी थ्री पॉइंट कोई इंपेयरमेंट तो नहीं है ना जी सी आई और एनसीआई ये आई अब करके आंसर ही बता दे मुझे फोर्टी वन प्लस थ्री प्लस फोर माइनस सेवेंटीन पॉइंट टू फाइव माइनस फोर इंटू एटी परसेंट बेटा अलग अलग ही बताने लेके तो अलग अलग जाने हैं हां हां ट्वेंटी वन पॉइंट बराबर हो गया ट्वेंटी वन पॉइंट फोर और फाइव पॉइंट एस आर ई वन जीरो वन जीरो टू पॉइंट फोर एन सी आई एग्जैक्ट जी पी पी टू फोर्टी फोर करंट एसिड्स डरा ना करो गलत होगा फिफ्टी वन हाँ बोल दो कुछ नहीं होता वन गलत हो जाएगा ना क्या होगा फिर दूसरा को बता देगा थ्री ट्वेंटी एट पॉइंट अल्लाह करे इधर भी यही हो जी वन फोर्टी फोर और सर डबल एंट्रीज पूरी करें तो बराबर ही होता है वैसे चाहे दोनों तरफ गलती हो पर बैलेंस शीट टहली होगी जी जो काम ऐसे नहीं किया उसे उल्टा दे जो काम ऐसे किया उसे उल्टा दीजिए चेक करते हैं जी आपने क्या किया होगा फिर सर हमने तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया होगा अच्छा इस वर्किंग इस इस वर्किंग को पहले देखना ले जरा प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिर चलते हैं पासे पर टू पे ये सवाल ये वहीं भी लिखी हुई थी ये इसको प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट से जरा देख लें आगे क्योंकि सवाल में था नहीं ना हो भी तो सकता था तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अगर बन रही होगी जिसमें आपको पता है सेल पी प्लस एस आती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स जी एक्सपेंसेस ऐसे ही होता था ना तो ये तो आपको पता ही है कि ये ड्यूरिंग द ईयर है तो एस पे बटा तो लग ही जाना है ओके सही है ना तो मैं इसलिए वो लिखता ही नहीं हूं फिलहाल एस पे बटा लगना है अच्छा अब जी आ ओके जी अब ये देखें ये हमने वो तो रिवोल्यूशन के लिए हो गया ना वो रिवोल्यूशन वगैरह तो हो गई ना गुडविल निकालने के लिए वो तो अलग हो गया अब जो काम पेरेंट ने किया हुआ था वही काम अगर सब्सिडरी कर दे तो सब्सिडरी वाले को क्या करना है उल्टा देना है जो काम पेरेंट ने किया अगर वही सब्सिडरी कर दे तो उसको क्या कर दो सब्सिडरी वाले काम को उल्टा दो अब सब्सिडरी वाले काम को उल्टाया तो जी डेबिट करना है तो उसके लिए क्या तरीका बताया कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाओ तो प्लस और अब जब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे तो साथ साथ एडजस्टमेंट्स के बारे में यह भी सोचना पड़ेगा वर्किंग फाइव के बारे में क्या कहती है ये एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट ऐसे ही है और बोलो तो क्या ये वर्किंग फाइव हिट वर्किंग फाइव को हिट करेगी बिल्कुल करेगी ठीक हो गया आगे बढ़ो एसआरई क्रेडिट इंपेयरमेंट लॉस कम हो रहा है एक्सपेंसिस को जाकर माइनस एक्सपेंस कम कर रहे हैं ना प्रॉफिट बढ़ रहा है एक्सपेंस तो कम हो रहा है ना इंपेयरमेंट लॉस क्या हो रहा है क्रेडिट मतलब कम एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है हां जब इधर इंपैक्ट डालोगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर इसको इंपेयरमेंट रिवर्सल के तौर पर यहां लिखोगे ठीक है जी ये क्या हुआ एक्सपेंस कम हुआ है और तीसरा भी क्या हो रहा है जी चार रुपए से एक्सपेंस रिवर्स कम हुआ है तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है ठीक है तो ये भी यहां पर आ जाएगा माइनस फोर तो ये एडजस्टमेंट ये पी एन एल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख ली साथ ही ठीक है तो एक ही पिक्चर ले लें तो फिर चलते हैं नजर डालते हैं उसमें आपको क्या क्या तकालीफ हैं उनको दूर करते हैं उसके बाद फिर आज का अपना नया पास, पर, पा, पास पेपर शुरू करते हैं ठीक है पिक्टूरिया लेनी पिक्टूरिया ये ले जी 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 जी, -जी. नहीं सब्सिडी ने तो उसको बेचा है सर 20 बेटा इन्वेंट्री कॉस्ट पे होनी चाहिए जी सर। उसका गेन बुक नहीं हो सकता जब तक वो बिक ना जाए एक्चुअल में आ ना जाए लेकिन कंसल्टेशन ने हमें मजबूर किया हम पांच का गेन उस पर बुक कर गए अब वो गेन हम ऑलरेडी बुक कर चुके थे अब सब्सिडी ने जब उस पर बेचा है तो क्या फ्री में बेचा होगा तो सर, वो उस पर तो वो अगले साल जब बिकेगा तो अगले साल उसको रिवर्स करेंगे वो अभी बिका नहीं है इसमें हमने सोल्ड के साथ खेलना है ये तो मैं कह रहा हूं सब्सिक्वेंट एक्विजिशन एस है तो इस जीपी को उल्टाना है जो एस ने भी हमने पांच का जीपी रिकॉर्ड किया था हमने पांच का जीपी रिकॉर्ड किया था एस ने उसमें सिर्फ 80 परसेंट का जीपी एस ने भी रिकॉर्ड कर लिया तो वो उल्टा देंगे बाकी रह गया ट्वेंटी परसेंट यही तो मसला है मैंने यही बात तो की है कि इसमें हमने अनसोल्ड के साथ नहीं खेलना इसमें हमने इस इस, इस वाद यही एडजस्टमेंट है कोई रूल नहीं बना रहा मैं लेकिन लॉजिकली बात ना आप उस तरह ले जाते हैं कि जी वो आ, अनसोल्ड के साथ अन, अनसोल्ड के साथ खेलना ही नहीं इसमें इसमें किसके साथ खेलना है हम प्रॉफिट बुक कर चुके थे पूरे का पूरा पाँच एस ने भी सब्सिक्वेंट टू तो एक्विजिशन उसमें से अस्सी फीसद का प्रॉफिट बुक कर लिया यानी हमने पांच का जीपी बुक किया था एस ने चार का मजीद उसी उसी चीज के ऊपर एस ने भी चार का बुक कर लिया तो वो चार हमने रिवर्स कर दिया अब रह गया बाकी एक ऐसा अगले साल इसको बेचेगा तो वो अगले साल एक फिर रिवर्स वो भी करेंगे क्योंकि हमने पूरा पांच का गेन आज ही बुक किया हुआ है जीपी बुक किया हुआ है ठीक है तो जो काम हम कर चुके हैं जो काम पेरेंट ने किया है जो काम पेरेंट ने किया है वही काम सब्सिडरी भी कर ले अब जगह इतनी है तो जो काम एस ने किया उसे उल्टा दे ठीक है तो ये सबसे टेक्निकल है ही यही वरना तो दूसरे आसान थे और यही आपके होमवर्क में थी बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से जो भी कहे ठीक है जी जी फिर भी रिवर्स करेंगे हमने लॉस बुक किया होगा और तो उन्होंने लॉस भी बेचा होगा फिर अगर आप आज खड़े होकर कह रहे हैं ये इन्वेंट्री दस की खरीदी थी ये आठ की बिकनी है तो दो रुपए का लॉस अगर आपने आज जो है वो सोचा है तो कल को वो आना ही है ठीक है अब वो अलग बात है कि हो सकता है कि वो पहले से लौस, लौस ही लॉस वैसे लॉस के ऊपर ही लेकर आए हैं तो अगर एस भी दोबारा ले आए तो दोबारा नहीं करना फिर उसको जो काम पेरेंट ने किया है सब्सिडी अगर एक्विजिशन के दिन जो काम पेरेंट ने किया है एक्विजिशन के दिन जो काम पेरेंट ने किया है किस लिए किया है गुडविल को निकालने के लिए एस ने जो काम किया है अगर एक्विजिशन के बाद सब्सिड्री भी वही कर दे तो सब्सिडी वाले को उल्टा देना ठीक है जी बेटा वो बिकेंगी तो उसके ऊपर एस गेन रिकॉर्ड करेगा ना अभी तो दस पे पड़ी होगी उसकी किताबों में ये इन्वेंट्री मतलब दस की टोटल इन्वेंट्री थी ना समझे दस की टोटल इन्वेंट्री थी वो सारी की सारी नहीं बिकी अभी उसमें से समझे आठ की बिकी है बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट आपस की सेल परचेज का होता है यही तो आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये सब्सिडरी के साथ तो ट्रांजैक्शन है नहीं ये सऊदी किंग की हमने इन्वेंट्री रीवैल्यू कर ली थी गेन बुक कर लिया था पांच का अब ये हमारी सब्सिडरी ने इसको बेचा है तो अब समझो हमने ये स्टॉक बेचा है तो हमने एक बार पांच का गेन बुक किया हुआ था और ग्रुप के पॉइंट ऑफ देखें तो हमने चार का फिर बुक कर लिया तो उसको क्या करवा रहे हैं रिवर्स पार्ट बनाना है बनाओ जी